अच्छा जी जो हमारी फाइनल रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो है बैलेंस शीट बैलेंस शीट का जो नया नाम है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट क्या है बैलेंस शीट बेसिकली बेस्ड है अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर जो आपने पहले पढ़ी थी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी एसेट साइड हमेशा बराबर आनी चाहिए जी किसके कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के अगर एसेट साइड इक्वल है कैपिटल एंड लाइबिलिटी के तो इससे पता लगेगा कि हमारे अकाउंट्स बिल्कुल सही बने और हमारी बैलेंस शीट क्या हो रही है जी बैलेंस हो रही है बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पहले हम फॉर्मेट डिस्कस करते हैं उसके बाद जो हमारा एग्जांपल है उसके हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या करेंगे बनाएंगे तो सबसे पहले ओनर का नाम आता है एआरडी ट्रेडर्स मेरे केस में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आल्सो नोन एज बैलेंस शीट लेकिन नया नाम है इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एज एट कब की बना रहे हैं भाई ईयर एंड की बना रहे हैं थर्टी फर्स्ट दिसंबर की अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले आता है एसेट्स उसके बाद कैपिटल और फिर लाइबिलिटी सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा एसेट्स की बैलेंस शीट नॉर्मली टू कॉलम्स में बनती है लेकिन एडवांस लेवल पे वो थ्री कॉलम में भी बन सकती है और उसके बाद एसेट्स दो तरह के होते हैं हमने पढ़े थे एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट नॉन करंट एसेट वो होते हैं जिनका पॉमनेंट नेचर है और जो हमने यूज़ के लिए लिए हैं और करंट एसेट वो है जिनका टेम्प्रेरी नेचर है और जो कैश है या जो चीज़ कैश में कन्वर्ट हो जाएगी या जो गुड्स हैं वो हमने बेचने के लिए नियत से खरीदे हैं और जिसको इन्वेंट्री कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे एग्जाम्पल में तीन तरह के नॉन करंट एसेट है लैंड हो गया बिल्डिंग हो गया इक्विपमेंट इसके अलावा कंप्यूटर आ सकता है कंप्यूटर बेसिकली इक्विपमेंट में ही आता है इसके अलावा फर्नीचर एंड फिक्सचर आ सकता है

बैंक बैलेंस है और कैश है तो करंट एसेट बेसिकली कैश होता है या वो चीज़ जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है अगर हमने उधार पे गुड्स बेची हैं कस्टमर को तो आज नहीं तो कल कस्टमर पैसे दे देगा तो ट्रेड स्टेबल कन्वर्ट हो जाता है कैश में ऐसे ही अगर हमने दुकान में स्टॉक रखा हुआ है तो जब स्टॉक बिकेगा तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा कैश में तो नॉन करंट और करंट दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल एसेट्स अकाउंटिंग इक्वेजन कहती है जी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल एंड लाइबिलिटी तो एसेट्स के बाद क्या आएगा कैपिटल एंड लाइबिलिटी आएगा कैपिटल कैसे आता है जी सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल इसका मतलब जब ये साल शुरू हुआ तो हमारे पास कैपिटल कितना पड़ा हुआ था ये ओपनिंग कैपिटल है ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं क्यों क्योंकि प्रॉफिट से हमारा कैपिटल क्या हो जाता है बढ़ जाता है और अगर लॉस हुआ है इस साल तो हम लेस करेंगे क्योंकि लॉस से हमारा कैपिटल क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है ऐसे ही को हम लेस करते हैं हमेशा क्योंकि ड्रॉइंग हमारे कैपिटल को क्या कर देती है जी कम कर देती है ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करेंगे ड्राइंग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल उसके बाद है हमारे पास लाइबिलिटीज़ पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और फिर करंट लाइबिलिटीज़ नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो एक साल के बाद हमें लोन पे करना है नॉर्मली लोन क्या होता है नॉन करंट लाइबिलिटी होती है अनलेस वो आपको बोल दें कि लोन हमें अगले साल पे करना है अब जैसे यहाँ लोन की डेट है ट्वेंटी हमारा ईयर एंड हो रहा है अगर वो कहता है लोन हमने ट्वेंटी में पे करना है अगले साल तो वो लोन कहाँ आ जाएगा करंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में आ जाएगा और अगर ट्वेंटी के बाद की डेट है ट्वेंटी ट्वेंटी टू है या उसके बाद की है या अगर कोई डेट ना दी हुई है तो इसका मतलब लोन हमेशा कहां आएगा नॉन करंट लाइब्रेटी में

एसेट साइड अगर बराबर आ गई कैपिटल लाइबिलिटी की इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई बैलेंस हो गई हमारे अकाउंट जो है वो बिल्कुल सही है तो देखिये ये जो क्वेश्चन हमने पहले किया था इसका ट्रायल बैलेंस हम पहले ही बना चुके थे और हम इनकम स्टेटमेंट भी उसके बना चुके थे तो वो जो ट्रायल बैलेंस और इनकम स्टेटमेंट है उसी से हम आगे बात बढ़ा रहे हैं और अब हम बैलेंस शीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये जो टिक लगे हुए हैं ये हमने पहले टिक लगाए थे और इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए ये आइटम्स हम पहले यूज कर चुके हैं अब जिन आइटम्स पे टिक नहीं लगा हुआ वो आइटम्स हम यूज करेंगे किसमें बैलेंस शीट को बनाने के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन का हम फॉर्मेट देख लेते हैं सबसे पहले आता है ओनर

तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ी होगी एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी याद है जी सबसे पहले हम लिखेंगे एसेट्स एसेट्स दो तरह के होते हैं नॉन करंट और करंट अगर आप इस क्वेश्चन में देखें मिस्टर ए के पास तो मिस्टर ए के पास एक ही नॉन करंट एसेट है और वो है प्रॉपर्टी सही जी तो प्रॉपर्टी को हम नॉन करंट एसेट कॉलम में लिख देंगे कितने की है जी एटी थाउजेंड की तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख देंगे एटी थाउजेंड अगर एक से ज्यादा होंगी तो हम इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे फिर सबको ऐड करके ले जाएंगे सेकंड कॉलम में अगेन ये जो दो कॉलम है ये डेबिट क्रेडिट नहीं है ट्रायल बैलेंस जो होता है वो तो डेबिट क्रेडिट होता है लेकिन जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें डेबिट क्रेडिट वाला कोई चक्कर नहीं होता नॉन करंट एसेट की बात करंट एसेट है करंट एसेट में सबसे पहले आता है इन्वेंट्री अगर आपने क्वेश्चन देखा हो तो क्वेश्चन में बता रहा है ईयर एंड पे इन्वेंट्री जो अनसोल्ड पड़ी हुई है वो है ट्वेंटी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने बात की थी कभी भी ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं होती क्लोजिंग बैलेंस इन्वेंट्री हम खुद फाइंड करते हैं ईयर एंड पे दुकान में हम देखते हैं जो स्टॉक बच गया थर्टी फर्स्ट दिसंबर या थर्टी जून जो भी हमारा ईयर एंड है उसमें देखते हैं जो स्टॉक बच गया उस सारे स्टॉक को शेल्फ से हम निकाल के स्टॉक टेकिंग करते हैं और उससे हमें पता लगता है कि कितना स्टॉक ईयर एंड पे बचा हुआ है तो मिस्टर ए आर के पास स्टॉक बचा हुआ है ट्वेंटी फाइव का इन्वेंट्री uh, के बाद आता है ट्रेड ट्रेडल्स ट्रेड डिसेबल हमारे वो कस्टमर्स हैं जिनको हमने गुड्स बेची है उधार पे हमारे क्वेश्चन में एक ही ट्रेड डिसेबल और वो है जिमी जिमी से हम कितने पैसे मांगते हैं भाई जिमी भैया से हम पैसे मांगते हैं ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर्स तो ये ट्रेड स्टिबल में आ जाए यहाँ पे हमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है कि किस किस से पैसे मांगते हैं हम टोटल लिखते हैं अगर हमारे पास दस कस्टमर्स हैं तो दस का जो टोटल है ट्रेड स्टिबल का हम वो हम लिखेंगे अलग अलग नाम से नहीं लिखेंगे उसके बाद है बैंक बैलेंस अगर आप देखें बैंक बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है डेबिट साइड पे तो वो करंट एसेट में आएगा बाद अव ये भी हो सकता है कि बैंक का बैलेंस आ रहा हो क्रेडिट पे तो वो बैंक हमारे लिए ओवरड्राफ्ट होगा तो उसको फिर हम करंट लाइब्रिटी में शो करेंगे सही जी उसके बाद कैश इन हैंड है हमारे पास वो हमने लिख दिया ये नॉर्मली ये चार होते हैं करंट एसेट्स तो इन चारों करंट एसेट्स को मैंने ऐड कर लिया अब नॉन करंट प्लस करंट एसेट दोनों को ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा टोटल एसेट्स तो अगर आप देखें अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी जिसमें से एसेट साइड तो हमने पूरी कर ली अब बचा क्या कैपिटल एंड लाइबिलिटी सी और एल बच गया तो हम हेडिंग डाल देंगे जी कैपिटल एंड लाइबिलिटी कैपिटल कैसे आता है अभी हमने फॉर्मेट पढ़ा है एसओ का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन का सबसे पहले आता है जी ओपनिंग कैपिटल इसका मतलब जब ये साल शुरू हुआ तो हमारे पास कितना कैपिटल पड़ा हुआ था अगर आप देखें ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल दिया हुआ होता है वो हमेशा ओपनिंग होता है कभी भी क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं होता क्लोजिंग कैपिटल हमेशा हमें क्या करना होता है फाइंड करना होता है तो देखें ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में यह है टू इसका मतलब जब ये साल शुरू हुआ तो हमने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था जी 200,000 उसके बाद ऐड करेंगे इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर इसका मतलब इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया है ये कहाँ से आया था ये हमने इनकम स्टेटमेंट से फाइंड कर लिया था और इनकम स्टेटमेंट जो हमने बनाई थी इसी क्वेश्चन में उसमें प्रॉफिट आ रहा था 41875 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये कहलाएगा हमारा प्रॉफिट और अगर नेगेटिव आ रहा होता तो ये क्या कहलाता है ये हमारे लिए कहलाता है लॉस फॉर द ईयर तो लॉस को हम क्या कर देते लेस कर देते ओपनिंग कैपिटल में हम ऐड कर देंगे अभी प्रॉफिट फॉर द ईयर क्योंकि प्रॉफिट हमारे कैपिटल को बढ़ा देगा लेस हम कर देंगे ड्रॉइंग्स अगर आप देखें ट्रायल बैलेंस में हमारी ड्राइंग दी हुई है और ड्राइंग डेबिट साइड पे दी हुई है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड चाहे हमने ड्राइंग किए कैश फॉर्म में चाहे हमने ड्राइंग किए चेक फॉर्म में चाहे हमने ड्राइंग किए गुड फॉर्म में सारी ड्राइंग्स को प्लस करके हम यहाँ पे लेस कर देंगे तो साल के शुरू में इतना कैपिटल पड़ा हुआ था प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ गया और ड्राइंग से कम हो गया तो एंड में इतना कैपिटल बच गया ये क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा साल के एंड में बिजनेस में हमारा स्टेक हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी है टू थ्री नाइन थ्री सेवन फाइव और एसेट साइड भी हो गई जी कैपिटल साइड भी हो गई आखिरी रह गई लाइबिलिटी पहले नॉन करंट एसेट आए थे बाद में करंट एसेट ऐसे ही पहले नॉन करंट लाइबिलिटी लिखेंगे बाद में करंट लाइबिलिटी नॉन करेंट लाइबिलिटी एक ही है लोन फ्रॉम जेम्स हमने बात की जी अगर लोन में कोई डेट ना दी हुई हो तो हम हमेशा ज्यूम करेंगे ये लोन क्या है ये नॉन करंट लाइबिलिटी है सही है जी तो लोन फ्रॉम जेम्स आ रहा है हमारे पास और अगर वो बता दे कि लोन हमने जेम्स को पे करना है अगले साल 2021 में तो फिर ये लोन नॉन करंट लाइबिलिटी के हेडिंग में नहीं आएगा बल्कि वो करंट लाइबिलिटी में है करंट लाइब्रिटी की अगर हम बात करें उसमें आ गया ट्रेड पेबल्स अगर आप देखें जी ट्रेड पेबल हमारा एक ही है और वो है डिसूजा डिसूजा से हमने गुड्स ख़रीदी हैं और देखें सब पे टिक लग चुका है एक ही आइटम पे टिक रह गया है एक डिसूजा और एक पीटर सही जी ये पीटर और डिसूजा ये हमारे लिए क्या है ये करंट लाइब्रिटीज़ हैं तो एक हमने डिसूजा को पैसे देने हैं ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और एक पीटर को पैसे देने हैं जो हमने उससे शॉप ख़रीदी दोनों हमारे लिए करंट लाइब्रिटीज़ हैं तो ये हमने ट्रेड पेबल में लिख दिए आप बैलेंस शीट बैलेंस कब होगी जी बैलेंस शीट बैलेंस उस वक्त होगी जब एसेट साइड बराबर आनी चाहिए किसके कैपिटल एंड लाइबिलिटी देखें टोटल एसेट्स में निकाल चुका हूं अब मैं क्लोजिंग कैपिटल नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइब्रिटीटी तीनों को ऐड कर दूंगा तो ये बराबर आना चाहिए किसके ये बराबर आना चाहिए हमारा एसेट साइड के तो अगर एसेट साइड इक्वल आ रही है कैपिटल एंड लाइबिलिटी इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीट हो गई जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने पूरी अकाउंटिंग साइकिल को डिस्कस कर लिया सबसे पहले वी स्टार्टेड ऑफ द ट्रांजेक्शन जब भी हम कोई चीज़ बाय या सेल करते हैं तो वो कहलाता है ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं हुआ उसका प्रूफ क्या है उसका एविडेंस क्या है वो कहलाता है सोर्स डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस किया भाई इसमें सेल्स इन्वायस आ गया परचेज इन्वायस क्रेडिट नोट चेक काउंटर फॉल ये सारे हो गए हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैटेगराइज करते हैं और उनको हम बुक्स में एंटर करते हैं और वो कहलाती है हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जैसे हमने बात की सेल जर्नल सेल डे बुक परचेज डे बुक रिटर्न इनवर्ड जर्नल रिटर्न आउटवर्ड जर्नल कैश बुक और पेटी कैश बुक और द जर्नल तो ये सेवन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जाता है एक बार हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बना ली वहाँ से डेटा जाता है टी अकाउंट्स में और जो टी अकाउंट्स की बुक्स होती हैं वो कहलाता है लेजर तो हमने बात की थी जी तीन तरह के टी अकाउंट होते हैं सेल्स लेजर आ, का अकाउंट तीन तरह की बुक्स होती हैं जिसमें टी अकाउंट्स होते हैं एक होता है सेल्स लेजर जिसमें कस्टमर के टी अकाउंट्स होते हैं एक होता है परचेज लेजर जिसमें सप्लायर के टी अकाउंट्स होते हैं और एक होता है जनरल लेजर जिसमें सारे टी अकाउंट्स होते हैं कस्टमर और सप्लायर के अलावा जितने भी टी अकाउंट्स हैं एंड में उनको हम बैलेंस करते हैं और बैलेंसिंग करके जो शॉर्ट साइड है वो बैलेंस सी और बड़ी साइड बैलेंस बी जितने भी बैलेंस बी हैं उन सब की एक लिस्ट बनती है और वो लिस्ट क्या कहलाई वो कहलाई डी ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस में सारे बैलेंसेस के बैलेंस आ गए, आ, बना लिया और फाइनली हम ट्रायल बैलेंस की मदद से क्या बना सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी आ गई इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और इस तरीके से इस पूरी अकाउंटिंग साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई आई होप आपको अकाउंटिंग फॉर बिगनर्स से कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली और अगर आपको इस कोर्स को बेनिफिशियल आपको लगा तो ज़रूर इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें जजाकल्ला जी